दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर बच्चे घोड़ा घोड़ा खेल रहे होते हैं और यहाँ पर नीलू और सीता रसोई में कुछ बना रही होती हैं। अरे नीलू दीदी, देखिए ना, चूल्हा तो अच्छे से जल गया है, जल्दी से चाशनी को पका लीजिए। भाई अच्छे से गर्म हो गई है, जल्दी से इसके अंदर चीनी डाल दीजिए और थोड़ा पानी, थोड़ी ही देर में हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। अरे हाँ सीता, तुमने सही बोला, जल्दी जल्दी हम चाशनी पका लेते हैं, राम घेवर लेकर आता ही होगा, फिर तो हम लोग मजे से घेवर खाएंगे, कितना मजा आएगा। अरे हाँ दीदी, जल्दी से चाशनी पकाएंगे तभी तो हम जल्दी खा पाएंगे, नहीं तो देरी हो जाएगी। मेरा कितना मन है घेवर खाने का। चलो चलो जल्दी से चीनी डाल दो इसके अंदर। अच्छा रुको, मैं अभी डाल देती हूँ। अरे वाह, देखो तो फिर से घेवर खाने का मन हो रहा है। और ये क्या, मेरा सपना तो पूरा होने के लिए जा रहा है। चलो चलो, मैं जल्दी से चीनी निकाल कर जल्दी से चाशनी पका लेती हूँ, अगर चाशनी नहीं बनेगी तो मैं घेवर जल्दी से नहीं खा पाऊंगी। चलो चलो जल्दी करती हूँ। ये बोलते हुए यहाँ पर नीलू जल्दी से चीनी के अंदर से चीनी निकालने लगती है। अरे ये ढेर सारी चीनी है, सारे डाल दूं क्या? चाशनी तो ढेर सारी चीनी की ही बनती है ना। अरे ये क्या, इतनी चीनी तो काफी है। अरे सीता देखो ना, इतनी चीनी काफी रहेगी ना, मैं तो भूल भी गई भाई, इतने दिन हो गए हैं। अरे दीदी देखो कितनी चीनी निकाली आपने। अरे ये क्या दीदी, ये चीनी तो बहुत है, इतनी चीनी काफी है, इतनी चीनी का चाशनी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अच्छा क्या सीता, सच में? तो ठीक है, मैं जल्दी से सारी चीनी कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है ना? अरे हाँ दीदी, जल्दी से डाल दीजिए। अरे चलो जल्दी से डाल देती हूँ। और यहाँ पर नीलू सारी चीनी कढ़ाई के अंदर डाल देती है। चलो थोड़ा पानी डाल देती हूँ उसके अंदर, ज्यादा पानी तो नहीं डालना है, चीनी खुद से पानी छोड़ देती है। चलो चलो जल्दी से थोड़ा पानी डाल देती हूँ। अरे सीता देखकर बताओ ना, पानी कितना डालूं? अरे 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 नहीं नहीं नहीं, अरे ये मक्खी कहाँ से आ गई है? अरे मक्खी बिना चीनी पर हर वक्त ही बिन बिनाती रहती है। चलो चलो जल्दी से डाल देती हूँ इसके अंदर पानी, फिर इसको अच्छे से ढक दूंगी। अरे नीलू दीदी, आपने पानी डाल दिया है क्या? अरे हाँ सीता, मैंने पानी डाल दिया है, देखो ना मक्खी बहुत ही बिन बिना रही है, जल्दी से इसके ऊपर कुछ ढक दो। अरे नहीं दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसके अंदर चम्मच ला देती हूँ, चाशनी जल्दी पक जाएगा, ठीक है ना दीदी? अरे हाँ सीता, अच्छा ठीक है। चल मेरे घोले टिक टिक टिक, चल मेरे घोले टिक टिक टिक। और यहाँ पर चटपटी स्वीटी को घोड़ा बनाकर खेल रही होती है। हाँ चलना सोना दीदी, चलना, चलो चलो जल्दी से लेकर चलो मुझे, चल मेरे घोले टिक टिक टिक। अरे शिवम, तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा वजन है, बाप रे बाप, मुझे तो चला ही नहीं जा रहा है। हाँ चलना चलना स्वीटी दीदी से आगे चलना। अरे स्वीटी से आगे तुम्हें कैसे पहुँचाऊँ, इतने मोटू जो हो, खा खा कर इतने मोटे हो गए हो। अरे स्वीटी दीदी थोड़ा तेजी से चलिए ना जल्दी से, नहीं तो शिवम का घोड़ा आगे निकल जाएगा। अरे अरे ये क्या, ये किस चीज की खुशबू आ रही है? अरे वाह देखो तो कितनी बढ़िया खुशबू है। रुक जाइए स्वीटी दीदी, रुक जाइए यहीं पर। अरे अब क्या हुआ चटपटी? अरे स्वीटी दीदी, आपको कहीं की खुशबू आ रही है क्या? देखिए ना कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे मुझे लग रहा है कि बूंदी के लड्डू बन रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अरे ये क्या, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है वाकई में, आखिर ये खुशबू हमारे घर से ही आ रही है क्या? चलो चलो मैं देखती हूँ रसोई में जाकर, आखिर मम्मी क्या बना रही है। मम्मी सीतांती, आप दोनों क्या बना रहे हो? अरे ये क्या, चूल्हे पर तो बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई है। अरे अरे स्वीटी स्वीटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मम्मी क्या करते हैं, हमारा गले यहीं पर तो लेंगे ना, क्या पड़ोसी के वहाँ यहाँ पर रहेंगे? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, तुम स्कूल आज फिर से नहीं गए हो क्या? सारे बच्चे तुम घर पर ही हो? अरे हाँ मम्मी, हम लोग तो नहीं गए हैं, सोना ने मुझे बोला कि आपने ही मना किया है। अरे क्या, इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई है जो ये झूठ बोलने लगी है? अरे मम्मी क्या आपने मना नहीं किया था क्या? प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो स्कूल जा रही थी, सोना ने ही मुझे यहाँ पर रोका था। रुको आज तुम्हारी बढ़िया खबर लूंगी, रोज रोज तुम स्कूल की छुट्टी लगाने लगे हो, तुम्हारे पापा का फ्री का पैसा नहीं आ रहा है। अरे मम्मी छोली छोली मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे भागो भागो यहाँ से, मम्मी तो बहुत ही गुस्से में है। अरे रुक जाओ, आज तो सोना की बढ़िया खबर लूंगी। अच्छा सीता तुम यहीं पर रहकर अच्छे से चाशनी पकाओ, मैं अभी आती हूँ। सोना सोना कहाँ पर हो तुम? अरे ये क्या, तो मेरी मम्मी की आवाज आ रही है, शिवम शिवम जल्दी उतरो मेरे ऊपर से, जल्दी उतरो। अरे लगता है स्वीटी ने मम्मी को सब कुछ सच बता दिया है। अरे ये क्या, मम्मी तो मेरी तरफ ही आ रही, दौड़ी दौड़ी भागो यहाँ से। अरे नहीं मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, आज तो तुम मुझसे नहीं बचोगी सोना। अरे अरे ये क्या, शिवम को भी यहाँ पर गिरा दिया। शिवम शिवम बेटा उठो यहाँ पर, आओ मेरे पास में आओ, सोना को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी, लड़की भी ना सबकी आदत बिगाड़ दी है इसने। सोना अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम उसे नहीं बचोगी। अरे मम्मी छोले माफ कर दीजिए। नहीं यार तुम्हें कोई माफी नहीं मिलने वाली है, हमेशा ही झूठ बोलने लगी हो। कहाँ पर हो, कहाँ पर गई तुम? अरे कहाँ पर गई लड़की, अब कहाँ पर चली गई, मैं कहाँ पर ढूंढूं इसे?
इस लड़की ने तो मेरे सर में ही दर्द करके रख दिया है। लगता है इसे हॉस्टल ही छोड़ना पड़ेगा। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे शिवम बेटा, तुम यहाँ पर खाट पर बैठकर खेल लो, ठीक है ना? सोना स्वेटी और चटपटी के साथ में मत खेलना। तीनों लड़कियाँ तो बहुत ही बिगड़ रही हैं। पता नहीं कहाँ पर चली गई, अब मैं कहाँ पर ढूंढूं? आने दो इन्हें, आज आती है तो देखती हूँ इन्हें अच्छे से। आज का खाना नहीं मिलेगा इन्हें, तभी इन्हें मम्मी याद आएगी, तो तभी देखना, तभी अच्छा होगा। चलो मैं जाकर सीता की मदद करा देती हूँ। अरे चलो चलो चलता हूँ। अरे बाप रे बाप, देखो तो घेवर कितना महंगा कर दिया है। बताओ भाई, 220 रुपए किलो भी कोई घेवर होता है क्या? खाने की चीजों पर बहुत ही गजब आया है। भाभी भाभी, सीता जी ये लीजिए, देखिए मैं ढेर सारा घेवर लेकर आ गया हूँ। आप जल्दी से इसके अंदर चाशनी डालकर इसे तैयार कर दीजिए, ठीक है ना? अरे वाह राम, तुम तो बहुत ही बड़ा लेकर आए हो। अरे हाँ भाभी, सब लोग अच्छे से खा लेंगे दो चार दिन, इसलिए मैं इतना बड़ा लेकर आ गया, सस्ता ही मिल रहा था। चाशनी डालने के बाद तो लोग ने इसे बहुत ही महंगा कर दिया है, देखिए ना। देखिए देखिए भाभी, कितना बढ़िया दिख रहा है, इसके अंदर जल्दी से चाशनी डाल दीजिए ढेर सारी, ये मीठा हो जाएगा, मेरा बहुत ही मन हो रहा है खाने का। अरे हाँ राम, तुम जाकर खाट पर बैठो, हम अभी लेकर आते हैं थोड़ी देर में। चाशनी बनकर तैयारी हो गई होगी बस। अरे दीदी देखिए ना, बस ये चाशनी बनने ही वाली है, चीनी थोड़ा थोड़ा घुल रहा है। अरे अरे ये क्या, अरे वाह देखो तू। अरे वाह दीदी, देखिए ना कितना बड़ा घेवर है, ये इतना अच्छा दिख रहा है, इसके अंदर मीठा डालने के बाद ये कितना टेस्टी हो जाता है। अरे वाह राम जी ने तो कमाल ही कर लिया, ढेर सारा लेकर आए हैं। अब तो मैं ढेर सारा खाऊंगी। हो अरे सीता जी, आप खुश तो हैं ना? अरे हाँ राम जी, आपका बहुत ही शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। हो आज कितने दिनों के बाद सीता जी ने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे हाँ हाँ सीता जी, क्यों नहीं, जल्दी से घेवर लेकर आइए, साथ में मिलकर खाते हैं और गुरछल्ले उड़ाते हैं। अरे दीदी आप कहाँ पर चली गई थी, इतना देर कर दिया? अरे भाई सीता, तुम्हें क्या बताऊँ, बच्चों की आदत तो बहुत ही खराब हो गई, उन्होंने आज फिर से झूठ बोलकर सारे बच्चों को घर पर ही रख लिया। आज तो मैं इन तीनों लड़कियों को खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अरे दीदी कोई बात नहीं, आजा जी ने माफ कर दीजिए, वो लोग भी घेवर खा लेंगे, आखिर है तो बच्चे ही। अरे क्या सीता, तुम भी ना, तुम्हारी वजह से ही ये बच्चे सिर पर चढ़ गए हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात तो नहीं टाल सकती हूँ। अरे हाँ दीदी, अरे अरे ये क्या दीदी, चाशनी बनकर तैयार हो गई लगता है। अरे वाह ये तो बढ़िया तैयार हो गई एकदम से। चलिए दीदी जल्दी से घेवर के ऊपर से डाल देते हैं, फिर हमारा घेवर मीठा हो जाएगा, अभी तो ये गर्म हो रखी है। अरे हाँ हाँ सीता, ये तो अच्छे से पक गई है। चलो चलो अब जल्दी से चूल्हे से नीचे उतारे और जल्दी से घेवर रखते हैं। अरे हाँ दीदी। अरे सीता ये देखो, ये रहा वो स्टैंड, चलो चलो मैं जल्दी से घेवर को इस पर रख देती हूँ, तुम जल्दी जल्दी गरम गरम चाशनी डालो। चलो चलो जल्दी से इस पर रख देती हूँ, अभी तो गरम हुई है चाशनी, गरम गरम घेवर बनेगा। अरे हाँ दीदी लेकर आ रही हूँ, चलो चलो जल्दी से डालते हैं। चलो मैं जल्दी से डालना स्टार्ट करती हूँ। अरे अरे ऐसे डालते हैं, अरे ये क्या, ये तो सारा पी जाएगा। चलो चलो जल्दी से और डाल देती हूँ इसके अंदर, ये तो ढेर सारी चाशनी है। चलो चलो डालती हूँ अच्छे से। अरे वाह देखो तो, ये तो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। और यहाँ पर सीता घेवर के ऊपर चाशनी डालने लगती है। अरे वाह देखो ना, ये मीठा हो जाएगा थोड़ी ही देर में। अरे सीता जल्दी जल्दी सारी डाल दो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह देखो तो, ये तो तैयार हो गया है। अरे हाँ सीता, अरे वाह खुशबू तो देखो, ये तो बहुत ही लजीज दिख रहा है। चलो चलो सीता जल्दी से लेकर चलते हैं। राम तुम और मैं शिवम हम चारों खाएंगे। अरे चलिए दीदी जल्दी से आ जाइए, मैं घेवर लेकर चल रही हूँ। राम जी ये देखिए घेवर तैयार है, चलिए चलिए सब लोग खाते हैं। ओ, कितनी अच्छी आ रही, चलो चलो शिवम बेटा जल्दी से मेरे गोदी से नीचे उतरो, चलो घेवर खाते हैं। घेवर घेवर ये खाना है, मम्मी दीजिए घेवर, कहाँ है? अरे ये ला खाना, ये चला घेवर खाना। और यहाँ पर शिवम सारे घेवर को ही झूठा करने लगता है। अरे वाह मीठा घेवर, लगता है मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा शौकीन है मीठा खाने का। आपने सही बोला, ये तो आप पर ही गया है। अरे अरे शिवम बेटा ऐसे झूठा मत करो, रुको रुको मैं तुम्हारे तुम्हारे पापा को सबको देती हूँ ना। अरे देखो देखो सोना, तुम्हारी वजह से सब क्या हुआ, मुझे घेवर खाने का भी नहीं मिलेगा, कितने दिनों के बाद तो घेवर आया है। अरे मैं तुम्हारी बात मानती नहीं, स्कूल चली जाती, कम से कम घेवर खाने का तो मिल जाता। अरे मुझे ब्लेम मत करो, मैंने तुम्हें सच में थोड़ा ही बोला था।
अरे अरे आओ सुनो स्वीटी, तुम लोग भी आ जाओ। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तुम्हारे बिना थोड़े ही ना खा सकते हैं। अरे क्या सच में चेतावनी? लेकिन मम्मी। अरे तुम दीदी की चिंता मत करो, मैंने उन्हें समझा लिया है, ठीक है ना? चलो चलो जल्दी से भाग कर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई शिवम सारा खा जाएगा। चलो चलो मैं सब लोगों को देती हूँ। ये हम लोगों को भी खेवाई खाने को मिलेगा, हुरे भागो। और ये चलो मैं भी चलती हूँ, सीता आंटी ने लगता है मम्मी को मना लिया होगा। मेरी सीता आंटी बहुत ही अच्छी है। ये हुरे, ये घेवर घेवर। सीता आंटी लाई लाई जल्दी से दीजिए मुझे। अरे अरे ये लीजिए राम जी, सबसे पहले आप ही खाइए। अरे हाँ हाँ, अरे वाह कितना बढ़िया है। अरे सीता जी इसमें तो मीठा बहुत ही अच्छा हुआ है सच में। अरे वाह सीता कितना अच्छा लग रहा है, जल्दी तुम भी खाओ। देखो जरा कितना बढ़िया है। अरे वाह मैं तो और खाऊंगी, ये मीठा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने में सच में। थैंक यू सीता आंटी। अरे हाँ हाँ सब लोगों को देती हूँ। और यहाँ पर सीता सभी लोगों को घेवर देने लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।